चुनावी साल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बैठे बिठाए विवादित बयान देकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की महिला रानी कमलावती को लेकर दिए गए बयान पर जिले में भी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार शाम को भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के बैनर तले श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे पर नारेबाजी कर गोविंद सिंह का पुतला फूका। हालांकि नारेबाजी के दौरान कार्यकर्ता व पदाधिकारी गोविंद सिंह के बजाय भाजपा के ही नेता व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिस पर जल्द ही सतर्क भी हो गए। मोर्चा जिला अध्यक्ष सुभाष पवार ने बताया कि गोविंद सिंह ने अभद्रता पूर्वक टिप्पणी करके दलित समाज का अपमान किया है, उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की जाए। अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान न सिर्फ रानी कमलापति का अपमान है बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। कांग्रेस की नीति रही है कि अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो कांग्रेस उनका अपमान करने का काम करती है। बयान के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे जिले में प्रत्येक मंडल में गोविंद सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समाज से गोंड समाज से कमलापति जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर रहा है। इस तरह की टिप्पणी किस दिन कर रहा है? उन्होंने जनजाति समाज की जो कमलापति है गोंड समाज की, उनको कहा कि ये पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं और ये दलितों पे इन पे अत्याचार कर रहे हैं, इनको पता नहीं इनको कैसे सम्मान दे रहे हैं और इनको पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के ला रहे हैं। अभी नारेबाजी के दौरान आपने गोविंद सिंह राजपूत का नाम ले लिया यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, जबकि वो बीजेपी के समर्थित और मंत्री है, अभी क्या कहना? गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह जी है। तो अभी यहाँ गोविंद सिंह राजपूत के नारे लगाए हाय हाय के? नहीं, गोविंद सिंह जी के ही नाम से है, गोविंद सिंह जी राजपूत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुभाष पवार, भाजपा अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।